सरकार को एक ही काम होता है, विपक्षी पे और सच्चे पत्रकारों पे कार्रवाई करना होता है, अपने ऊपर भी कार्रवाई करे ना। और आप ये तो पत्रकार और पेपर और सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर भी अंगुली उठाने से बाज नहीं आ रहे। तो देश की कानून व्यवस्था आज जागी, जब चुनाव आया, जब ब्रिजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा तो कानूनी कार्रवाई लड्डू खाने गई थी। मणिपुर जल रहा था तब लड्डू खा रहे थे। हम भड़ास निकाले तो बोलोगे कि आप सब विपक्षी हो, आप ऐसे बोलते हो, सरकार को बोलते हो। कि मोदी जी रावण के विचारों का पालन करते हैं, सारे तंत्र इनके हाथ में है। आपको ये जनता उठा के ऐसी पटकनी मारेगी कि आपके सारे सारे अहंकार भ्रष्ट हो जाएंगे। अहंकारी रावण था, उसका भी अहंकार टूटा था और आपका भी अहंकार टूटेगा टूटेगा। ईडी बधुआ मजदूर बन गई है बीजेपी सरकार की, लेकिन आज की सरकार है जो है, बीजेपी की जो सरकार है, ईडी हो, बड़े बड़े विभाग है, ये मोदी जी के चाटुकारता करते हैं। लेकिन अगर किसी ईमानदार के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाएगा तो उसके लिए देश की जनता उनके साथ खड़े होगी और सरकार से प्रश्न पूछेगी, और सरकार में सामर्थ्य हो तो जवाब दे। केवल ईमानदारों को दबाने का काम कर रही है, और ये सरकार तानाशाही करके, भ्रष्टाचार करके, नरसंहार करवा कर ये सरकार फिर सत्ता में वापसी आना चाहती है, लेकिन जनता आने नहीं देगी। जंतर मंतर पे, यहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी सुबह एक बड़ी न्यूज़ आई है जहाँ पे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये न्यूज़ क्लिक की न्यूज़ है जहाँ पे दो पत्रकारों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसी को लेके हम बातचीत करेंगे इनसे। देखिए मैम, बड़ी बात तो ये है कि ईडी जो है पत्रकार पे, विपक्षी नेताओं पे ईडी भेज देती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ईडी आपकी मणिपुर में क्यों नहीं जा रही है? 6 महीने से जल रहा है ईडी। ये बीजेपी का जो अलायंस है, 38 का गठबंधन है, उस पर तो आप वाशिंग पाउडर निर्मा बना देते हो प्रधानमंत्री मोदी जी, वहाँ आप ईडी नहीं बटाते हो। रामायण में रावण द्वारा सभी देवताओं को बंधक बनाने का काम जिस प्रकार ने रावण ने किया था, आज प्रधानमंत्री मोदी उसी प्रकार से सरकारी सभी तंत्रों को अपने बस में करने का काम किया है। और देखिए 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष के या नेता हों तो उनको संसद में किस अभद्र भाषा से बोलकर उनको दबाने का काम। और अब ये तो पत्रकार और पेपर और सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर भी अंगुली उठाने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान दीजिएगा, 2024 के बाद ये आपका तानाशाही देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये जनता उठा के ऐसी पटकनी मारेगी कि आपके सारे सारे अहंकार भ्रष्ट हो जाएंगे। अहंकारी रावण था, उसका भी अहंकार टूटा था और आपका भी अहंकार टूटेगा टूटेगा। लेकिन पत्रकारों को तो पैसा लेकर मोदी जी ने वो कराया ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी से, अगर सामर्थ्य है तो दिखाए ना, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं अडानी और अंबानी के पास? सारी राष्ट्र संपत्ति को अडानी अंबानी खरीद लेते हैं, इतना पैसा कहाँ से आया है? इस विषय पे चर्चा नहीं, आप सबके दिमाग में नहीं आता है सब बातें। तो देश की कानून व्यवस्था आज जागी, जब चुनाव आया, जब चुनाव आया 2 महीना 1 महीना में कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो अब इनका सामर्थ्य जागा है। ये केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और ये जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। और जो ईमानदार पत्रकार हैं उनके साथ देश की जनता खड़ी है, और जो बेईमान पत्रकार हैं उनका बहिष्कार 14 का हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन अगर किसी ईमानदार के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाएगा तो उसके लिए देश की जनता उनके साथ खड़े होगी, और सरकार से प्रश्न पूछेगी, और सरकार में सामर्थ्य हो तो जवाब दे। जिस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो लग रहा है कि मोदी डर गए हैं। देखिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि मोदी जी रावण के विचारों का पालन करते हैं, सारे तंत्र इनके हाथ में है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, तो मणिपुर में मुख्यमंत्री बोलते हैं, हजारों घटनाएं होते हैं, वहाँ ईडी क्यों नहीं भेज रहे हैं?
ईडी अगर बधुआ नहीं है, ईडी बधुआ मजदूर बन गई है बीजेपी सरकार की। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, लेकिन आज की सरकारें जो है, बीजेपी की जो सरकार है, ईडी हो, बड़े बड़े विभाग है, ये मोदी जी के चाटुकारता करते हैं। अरे तो प्रधानमंत्री 2014 में आए, बोले स्वदेशी बनो, तो क्यों चाइना से व्यापार कर रहे हैं? प्रश्न तो ये भी है, और ईडी में सामर्थ्य है तो जाके चेक करें, करें ना इंक्वायरी, नहीं करेंगे। ये देश की हवा बदल चुकी है, और इसी तरह अगर प्रधानमंत्री ईमानदारों को टॉर्चर करेंगे और कानूनी कार्रवाई, जब ब्रिजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा तो कानूनी कार्रवाई लड्डू खाने गई थी, ईडी लड्डू खा रही थी, मोदी जी के दिए हुए, मणिपुर जल रहा था तब लड्डू खा रहे थे। हम भड़ास निकाले तो बोलोगे कि आप सब विपक्षी हो, आप ऐसे बोलते हो, सरकार को बोलते हो। तो सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए बोसिंग पाउडर निर्मा बन जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको आतंकवादी, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या आपने बोलने चालू कर देते हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है ना। सरकार को एक ही काम होता है, विपक्षी पे और सच्चे पत्रकारों पे कार्रवाई करना होता है, अपने ऊपर भी कार्रवाई करे ना, तो जनता को भी लगे। आज जनता खुद कह रही है एक तरफा काम कर रही है सरकार, एक तरफा काम कर रही है, ये केवल ईमानदारों को दबाने का काम कर रही है। और ये सरकार तानाशाही करके, भ्रष्टाचार करके, नरसंहार करवा कर ये सरकार फिर सत्ता में वापसी आना चाहती है, लेकिन जनता आने नहीं देगी। मोदी जी अब तो खुद YouTube पर आ गए और उन्हीं पत्रकारों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। देखिए आपको बता दे, मोदी जी बोले अभी नए संसद में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, और मध्य प्रदेश में एक स्पीच देते हैं कि महिला शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे। आज के ही दिन आंगनबाड़ी की पूरे देश से लाखों की संख्या में हमारे देश की महिला शक्ति आई, उनकी सैलरी, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उनकी सैलरी 4,000-5,000, उनसे काम क्या लिया जा रहा है? सरकारी विभाग के सारे काम, गांव के सारे काम, विद्यालय के सारे काम, और जब चुनाव होता है तो वो भी काम लिए जा रहे हैं। सिर्फ 4,000 रुपये उनको सैलरी दिया जा रहा है, ये जायज़ है? ये जायज़ लगता है? आप भी महिला है, अगर आपको लगता है जायज़ है, ये सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया है, आरक्षण दिया तो है। अरे ये 2024 का, 2023 का और 2024 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा जुमला है। अमित शाह ने बोला था ना कि 15 लाख का तो जुमला दिए थे, और फिर प्रधान अगर इनकी सरकार अपनी अगर कहीं बनाएंगे ना, तो फिर अमित शाह जी बोलेंगे कि तो महिला आरक्षण जुमला था। मैं तो आपको पहले स्पष्ट कर दिया, रावण की तरह ये मोदी जी सभी विभागों को बंधक बना लिए हैं, और विभागों को जितना रिमोट से चलाते हैं वो विभागें उतना कार्य करती है, और इस सरकार से न्याय की अपेक्षा करना हमारे देश के लिए सबसे बड़ी मूर्खता हो। जिस तरीके से यहाँ पे न्यूज़ क्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको 7 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है, और लोग कह रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे जनता क्रोधित है, और उसी को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि जो असली पत्रकार हैं उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां।